एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। ये बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेडो चिकन पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैट नूडल्स हैं, ये फेटुचिनी पास्ता कहते हैं इसको। ये मैंने 1 पाउंड लिया है, इसको मैंने पानी में बॉईल करके और ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया है और इसमें हमने कोई सीजनिंग ऐड नहीं की है। उसके अलावा हमारे पास बोनलेस चिकन है, ये जूलियन स्ट्रिप्स हैं। पार्सली नज़र आएगा आपको यहाँ पे, मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। उसके अलावा गार्लिक पाउडर है, चॉप्ड गार्लिक है, हैवी व्हिपिंग क्रीम है, पार्मेजान चीज़ है, सॉल्टेड बटर है हमारे पास, ब्लैक पेपर है, सी सॉल्ट है। मैंने पैन गरम किया है हाई हीट पे, इसमें मैंने 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल और ये 1 टेबलस्पून ऑफ बटर मैंने इसमें यूज़ किया है। इसमें हम सॉस के लिए 1 कप ऑफ बटर यूज़ करेंगे, उसी में से मैंने इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये गर्म हो गया है और बटर भी मेल्ट हो गया है। मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे चॉप्ड गार्लिक है हमारे पास, मैं इसमें ये ऐड करूँगी और मैं इसको 1 मिनट के लिए इसमें स्टर फ्राई करूँगी हाई हीट पे, और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 मिनट हो गया है इसको गार्लिक को मुझे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें, मेरे पास 1 पाउंड ऑफ चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये जूलियन कट हुई हुई है, बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ता लॉन्ग है, हम लोगों ने नूडल्स यूज़ किए हैं तो उसके साथ जूलियन कट अच्छा लगता है। और इसको हम तकरीबन 8 to 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। इसको 4 मिनट्स हुए हैं हाई फ्लेम पे, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देखें इसने पानी रिलीज़ कर दिया है, हमें इसको 5 से 6 मिनट और पकाना है और इतना इसको पकाना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। हमें इसमें कोई ज़्यादा सीजनिंग्स ऐड नहीं करनी है। मेरे पास सॉल्ट है, मैं इसमें 1/4 ऑफ द टीस्पून ऐड करूँगी हल्का सा फ्लेवर देने के लिए इसको, क्योंकि जो भी सीजनिंग्स हैं वो हम अपने सॉस में ऐड करेंगे, इसलिए हम अभी इसमें इतना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ब्लैक पेपर भी मैं इसमें 1/4 ऑफ द टीस्पून ऐड करूँगी। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, देखें इसने जो फैट है वो रिलीज़ कर दिया है, ऑयल और जो बटर हमने ऐड किया था वो अलग हो गया है और ये बिल्कुल रेडी है, टेंडर भी हो गई है ये। इसको मैंने टोटल 10 मिनट्स पकाया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसी पैन को हम सॉस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास 1 कप ऑफ बटर है, मैंने सॉल्टेड बटर लिया है और मैंने इसमें से 1 टेबलस्पून चिकन जब हम फ्राई कर रहे थे उस वक्त लिया था, मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है, हमें इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है वरना बटर जल जाएगा। जैसे ही बटर मेल्ट होगा मैं इसमें हैवी व्हिपिंग क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी। ये हमारे पास 1 कप ऑफ हैवी व्हिपिंग क्रीम है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हम बस 1 मिनट बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसको सिमर करेंगे। गार्लिक पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, 1/4 ऑफ द टीस्पून है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून और अगर आपको कम लग रहा है तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम लो पे कर दिया, पहले ये लो पे था, इसको हम 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। 1 कप ऑफ पार्मेजान चीज़ है हमारे पास, ये मैंने बार लेके और उसको खुद ग्रेट किया है और ये ऑथेंटिक अल्फ्रेडो सॉस में पार्मेजान चीज़ ही यूज़ होता है। अगर आपको ये इजीली नहीं मिल रहा तो आप मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि अगर ये अवेलेबल है तो यही चीज़ यूज़ करें। सॉस रेडी हो गया है हमारा, मैंने चूल्हा जो है वो लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें पास्ता ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था और फिर हम इसको टॉस करेंगे। चिकन और बॉइल्ड पास्ता इसमें ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छा सा टॉस किया है, अब हम इस पर पार्सली थोड़ा सा गार्निश करेंगे और हम इसको राइट अवे सर्व करेंगे। ये गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद ये जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसको राइट अवे सर्व कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।